नमस्कार मैं मोहम्मद आसिफ़ और आप देख रहे हैं एस पी एन नाइन न्यूज़ पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी जो बीजेपी के सांसद हैं इन दिनों मोदी सरकार के नाक में दम कर रखा है उन्होंने जो खबरें आ रही हैं वो जरा सुन लीजिए वरुण गांधी या तो खुद बुरी तरह से फंस चुके हैं या फिर कभी अखिलेश की तारीफ कभी राहुल गांधी की चर्चा कभी कांग्रेस में सुर से सुर मिला रहे है। क्या है इसके मायने क्या है इसके मतलब ये ज़रा समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है और एक ऐसा खुलासा जो आज हम आपको वरुण गांधी को लेकर कर रहे हैं क्या वरुण गांधी अपनी पार्टी बनाने वाले हैं खुद से पार्टी बनाएंगे कैप्टन अमरिंदर गुलाम नबी आज़ाद की तरह अब ऐसे सवाल क्यों जरा सुन लीजिए वो बीजेपी से सांसद हैं मोदी सरकार पे सवाल उठा रहे हैं बार बार सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस में बार बार चर्चा हुई कि वो वापसी करेंगे लेकिन नहीं हुई वहाँ अभी तक कोई इसको लेकर आधिकारिक बयान नहीं दिया फिर कभी नेहरू की तारीफ कर रहे हैं और उसके बाद जो है कल उन्होंने खास अखिलेश यादव की जमकर तारीफ की तो वो किस पार्टी में जाएंगे किस पार्टी का साथ छोड़ेंगे ये पता नहीं चल रहा तो अब जानकारों का मानना है कि वो एक बीच का रास्ता निकालना चाह रहे हैं क्योंकि किसी पार्टी में जाएंगे तो फिर वही बात होगी यानी जो कयास लगाए जा रहे थे तो अब एक रास्ता निकाला जा रहा है लोग मान रहे हैं कि जिस तरीके से वो फंस गए हैं कभी नेहरू की तारीफ कर कभी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाकर कभी अखिलेश की तारीफ कर कि वो शायद खुद की पार्टी बना सकते हैं ये बड़ी खबर है जो दर्शकों मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यासों के दौर में ये भी एक कयास लगाया जा रहा है कि वरुण गांधी खुद से अपनी पार्टी बना सकते हैं दर्शकों आपको क्या लगता है कि क्या वरुण गांधी खुद फंस गए बार बार अपनी सरकार पर सवाल उठाकर फंस गए क्या वाकई में वो अपनी पार्टी बना सकते हैं या फिर कांग्रेस में ही जाएंगे या समाजवादी पार्टी का दामन थाम लेंगे क्योंकि उनके बयानों को लेकर सोशल मीडिया पे ज़बरदस्त घमासान मचा हुआ है कि आखिर उनके मन में क्या है चल क्या रहा है और वो चाहते क्या हैं अब हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ये भी बताएं कि वरुण गांधी को लेकर बीजेपी क्या फैसला करेगी क्योंकि इतना जो वो भूचाल मचा रहे हैं क्या बीजेपी ऐसे ही शांत रह जाएगी या फिर ये भी बताइए कि उनके वीडियो सब जो वायरल हो रहे हैं क्या वाकई में वरुण गांधी खुद ने अपने पैर पर पे कुल्हारी मार लिया आज के लिए इतना ही मुझे दीजिए जा रहा देखते रहे स्पेन आई न्यूज़ नमस्कार